बट जो मैंने अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में उस दिन देखा है, और वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक नहीं, उसके बाद तो मैं मजाक में, क्योंकि वो एक्चुअली नमाजी लड़के हैं सारे के सारे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जैसे सड़कों पे आपके वहां तो नहीं होते, हमारे यहाँ तो पीते हैं कई लोग, और विदेश में जाओ तो आप देखते हो ना सड़कों में पी के धुत होते हैं लोग, उस दिन मैंने बिन पिए शराबी देखी। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। अफगानिस्तान टीम इतनी बेहतर कैसे हो गई? हमने जिनको सिखाया अब हम उनसे सबक लेंगे। एक बहुत फेमस मीम है, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओ। तो असद का बड़ा चुपता हुआ सवाल है, वासिद भाई आपसे शुरू करते हैं कि ये कैसे बेहतर हुई, जिनको हमने सिखाया अब ऐसा लगता है हमको उनसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। हमने सिखाई है, हमारी अकेडमी में ही रहे हैं, और तीन तीन चार चार महीने का कैंप लगता था। चल झूठा, यहाँ के सारे पाकिस्तान में पिशावर में आके सारे लड़के खेलते थे, तो यहीं से सीखे गए हैं, और आज देखें वो एशिया की दूसरी टीम बन गई है। जली ना, तेरी भी जली ना। अफगानिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पेल दिया था, और आज अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया। अब देखने लायक बात ये है कि हम इन कंगारुओं को कैसे पेलते हैं, कैसे बदला लेते हैं। अजय जडेजा को जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे ऑफर किए थे ना, तो अजय जडेजा ने एक पाई नहीं ली। जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ओ यस सर, एक रुपया अजय जडेजा ने अपनी जो सर्विसेज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को दी थी उसके बदले एक रुपया तक नहीं लिया। इतनी जलन की बदबू पाकिस्तान से आ रही है कि हराया हमने ऑस्ट्रेलिया को है, लेकिन पटी पड़ोसियों की है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अफगानिस्तान जीत गया। जब अफगानिस्तान जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को मार दे तो फिर T20 वर्ल्ड कप में बचता कुछ नहीं है। ये है अफगानिस्तान की टीम, उन्होंने बताया कि तुम जो कहते हो कि हमारे साथ सीरीज नहीं खेलनी, अब तुम तरसोगे हमारे साथ सीरीज खेलने क्योंकि हमने तुमको वर्ल्ड कप में हरा दिया, और एट द एंड मैटर ये करता है जो वर्ल्ड कप में जीतेगा। हमें भी बदला लेना है इन कंगारुओं से अपनी हार का। पहले आज से 20-25 साल पहले जब वासु भाई वगैरह इंडिया के साथ खेलते थे ना, तो इंडियन प्लेयर्स कहते होते थे यार पाकिस्तान से सीखेंगे। वो कैसे खेलते हैं, उनका डोमेस्टिक क्या सिस्टम है, फिर हमने उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, अब हम कहते हैं कि इंडिया का सिस्टम देखें, बेस देखें, उनकी टीम की परफॉर्मेंस देखें, हमें सीखना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये हमारा लेवल आ गया, अब हमें वो छोड़ के अफगानिस्तान से देखना चाहिए कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है। अजय जडेजा जो अफगानिस्तान के कोच भी हैं, उन्होंने एक टीवी शो में बोला है कि जी जैसे हम इस तरह की बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की एक क्रिकेट की बड़ी ख़तरनाक दुश्मनी है, उन्होंने बताया कि जब अभी अफगानिस्तान ने हराया था पाकिस्तान को तो उससे बड़ी दुश्मनी उन्होंने अफगानियों के दिल में देखी। ये पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने मैच फिक्स किया हुआ है अफगानिस्तान के साथ ही, लेकिन आज मुझे ये 100% यकीन हो गया कि पाकिस्तान में सब बेगैरत के बच्चे। वाह भाई वाह, टैलेंटेड। अगर आप 1-2-1 देखेंगे तो हो सकता है पाकिस्तानी का फिर वही बात आ जाएगी कि शाहीन दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर, हारिस राउत दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर, मोहम्मद आमिर दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर, लेकिन क्या है कि उनके बॉलर देखो उन्होंने अच्छी तैसी कर दी। कैच इज फील्डिंग अगर देखनी हो तो अफगानिस्तान को देखें। राशिद ने बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था कि जब ये हमारे हमसे खेलना ही नहीं चाहते तो मैं भी नहीं खेलता है कोई हमारे यहाँ ऐसा। अभी तो IPL बना है हमारे यहाँ, IPL खुलता तो आप देखते कैसे जा रहे होते, छोड़ के जा रहे होते। अब बात करें अफगानिस्तान टीम की, ठीक है जी, और अफगानिस्तान टीम को इतना खतरनाक इतना पावरफुल बनाने के लिए अजय जडेजा का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पड़ोस में है एक नजर बट्टू जो हर चीज में अपनी नजर ना लगाए अपनी टांग ना घुसेड़े, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये पाकिस्तानी कोस रहे हैं अजय जडेजा को और अफगानिस्तान को, वैसे ये बोलते हैं बरादर मुल्क, और अब इनके अफगानिस्तान से सुलगी हुई है। तो चलो शुरुआत करते हैं अजय जडेजा के इंटरव्यू से। लेकिन तो मैं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में रहा हूं और इंडिया पाकिस्तान मैच में जीते भी हैं और हारे भी हैं, वर्ल्ड कप में नहीं हारे वो अलग बात है, लेकिन हार जीत मैंने दोनों देखी हुई है, और मैंने इंडिया का ड्रेसिंग रूम का एक एटमॉस्फेयर देखा है जिस दिन जीत होती है पाकिस्तान से, यू नो, और आई एम श्योर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी एक अलग होता होगा। बट जो मैंने अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में उस दिन देखा है, और वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक नहीं, उसके बाद तो मैं मजाक में, क्योंकि वो एक्चुअली नमाजी लड़के हैं सारे के सारे, यू नो, और बहुत डिसिप्लिन, बहुत लाइफ वैसे ही है। तो जैसे सड़कों पे आपके वहां तो नहीं होते, हमारे यहाँ तो पीते हैं कई लोग, और विदेश में जाओ तो आप देखते हो ना सड़कों में पी के धुत होते हैं लोग, उस दिन मैंने बिन पिए शराबी देखे। और जितने दोस्तों ने मेरे से पूछा है कि यार कैसा लगा, क्योंकि नेचुरल है, जैसे आपने भी सवाल पूछा इंडिया पाकिस्तान का एक होता है, मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान में जो आप सोचते हो कि ड्रेसिंग रूम हो, राइवलरी हो, मैच का प्लेयरों के बीच में जो होता है, अगर उसको आप 10 गिनते हो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को उसको 100 गिन लो। तो सब सरप्राइज होते हैं ये सुन के
कि क्या बात कर रहे हो, इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा राइवलरी हो सकती है, बट ये मैं क्योंकि ये मैंने देखी है, राशिद ने भी देखी है। लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मैं अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका फैन क्यों हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ उसकी कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की रीजनिंग। आपको पता है वर्ल्ड कप 2023 जब अफगानिस्तान की टीम पहुंची खेलने के लिए इंडिया, तो उन्होंने अजय जडेजा जो कि इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे उनको अपना मेंटोर रखा कि यार हमें जरा पिचेस के बारे में बताएं। जैसे भी उन्होंने डीजे ब्रावो को रखा हुआ है वर्ल्ड टी20 के अंदर, वो उनके मेंटोर है, वहां पर बॉलिंग कोच आप जो भी उसको कह दें, तो वो उनको वहां पे कंडीशंस पिचेस उस बारे में सारा कुछ बताते रहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने अजय जडेजा को सेम रोल के लिए रखा था। आपको मजे की बात बताता हूं कि अजय जडेजा को जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे ऑफर किए थे ना, तो अजय जडेजा ने एक पाई नहीं ली। ओ यस सर, एक रुपया अजय जडेजा ने अपनी जो सर्विसेज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को दी थी उसके बदले एक रुपया तक नहीं दिया। अजय जडेजा ने सिर्फ इतना कहा था अपना बेस्ट खेलना, ठीक है बेहतरीन खेलना, मेरी वही कमाई होगी, और अफगानिस्तान ने बेहतरीन खेला। अजय जडेजा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब अफगानिस्तान की टीम जीती थी तो वो कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितने खुश थे, क्योंकि वो एक नई राइवलरी जनरेट हो चुकी है क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और उसमें अजय जडेजा को तो ये लगता है कि अब उस इस राइवलरी की इंटेंसिटी वो आपकी पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी थी किसी जमाने में उससे ज्यादा इंटेंस है। बल्कि वो तो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी 10 पे है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की राइवलरी 100 के ऊपर है, वो मतलब इस लेवल के ऊपर उसको लेकर जाते हैं। अच्छा प्लस उन्होंने ये बताया कि मैच जीतने के बाद नॉर्मली होता है कि जश्न वशन मनाया जाता है सारा कुछ, ये लड़के बस खुश थे, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के लड़के खुश थे, कोई पीने पिलाने वाला चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर, ऑलमोस्ट सारे मेरा ख्याल है सारे के सारे बल्कि 5 वक्त के नमाजी हैं, डिवोशनल हैं टुवर्ड्स देयर फेथ, ठीक है अपने मजहब की जो टीचिंग्स हैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरीके से फॉलो करने का हुक्म है, जान मारते हैं ग्राउंड में, एक टीम नज़र आती है, एक डेडिकेशन नज़र आती है, एक एम उनका नज़र आता है। वो मैच हारते भी हैं ना अफगानिस्तान वाले तो आप उनको ऐसे नहीं हरा पाते कि आपने उनको बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया, नो सर, वो आपसे फाइट करवाते। अफगानिस्तान ने हरा के तो ऐसा किया कि बस वो समझ नहीं आ रहा था भाई, देखे ना वो वो डांस कर रहे होते हैं इरफान पठान मुसलसल जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं अफगानिस्तान की फतह की, ये एक अजीब सा माहौल हो गया। हालांकि माहौल तो ये होना चाहिए था कि जो जिस जगह पर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की थी उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए था। देखिए शरीफ भाई ऐसा लग रहा है पैसा फेंक तमाशा देख तो इस वजह से मजाक कर रहे हैं, और दूसरा कि भाई इतनी सेलिब्रेशन जो आपने बात कही है इतनी राइवलरी दिल में रख के बैठे हुए अफगानी की, अगर उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया हम तो इंडिया पाकिस्तान समझ रहे थे, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज्यादा होती है। हाँ मेरे ख्याल है कि थोड़े दिन के बाद ये राइवलरी भी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान अमेरिका राइवलरी ना हो जाए कहीं, उसके बाद जो है ना वो बढ़ते बढ़ते एक डेब्यूटेंट के खिलाफ सूरत हाल। लेकिन नसीम भाई ठीक है हमारी टीम ने गलत खेला, हम कहाँ अच्छा बोल रहे हैं, हमने कल नबी की तारीफ भी करी भाई नबी अच्छा खेलता है, लेकिन ये दिल में इतनी इतना बुग्ज रख के क्यों बैठे हुए, ये क्या रीजन क्या है, ये तो हमारे गोद के बच्चे थे, इन्हें क्या हो गया। हाँ बस ये भी मैं वाकई में मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा खेल को जज्बाती बना दिया है, वो कहते हैं ना वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर शाह बस जैसे शाह के ऑर्डर हैं और मैं शाह का वफादार हूं और मैं जो चाहूंगा बस वो मुझे बताएं आका क्या करना है, ये तो अफगानिस्तान की क्रिकेट फैंस की जानिब से उनके क्रिकेटर्स की जानिब से ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। इतने जज्बाती हम पहले भी बात कर चुके हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होते जितने अफगानी प्लेयर्स हो जाते हैं, कि एक लम्हा तो ऐसा था कि वो आसिफ अली और उनके दरमियान हाथापाई होते होते रह गई थी ग्राउंड के अंदर, आपके जज्बात का लेवल यहाँ कैसे चला जाता है। भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर अफगानिस्तान जब अच्छा खेलता है या उनके कोई प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं हम उसे बिल्कुल जो है यहाँ पे बैठ के इसको जिक्र भी करते हैं कि नहीं अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो अजय जडेजा का स्टेटमेंट। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय, यो यो किट्टू भाई।